सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। गढ़वा जिले के बंसीधर नगर अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार ने बुधवार की रात NH-75 पर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे ओवरलोड बालू के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान एसटीओ ने छापेमारी अभियान चलाकर ओवरलोड बालू लदे 23 ट्रक को पकड़ा। एसटीओ ने पकड़े गए ट्रकों के वाहन चालकों से बालू से संबंधित कागजातों की मांग की और पूछताछ किया, लेकिन ट्रक चालक अपनी अपनी गाड़ी को खड़ा कर भागने लगे। उधर एसटीओ द्वारा ट्रक पकड़े जाने की खबर से बालू कारोबारियों में हड़कंप मच गया। ट्रक पकड़े जाने की भनक लगते ही ट्रक चालक इधर उधर ट्रक खड़ा कर फरार हो गए। एसटीओ द्वारा पकड़े गए सभी ट्रकों का माप तौल व कागजात की जांच खनन पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में एसटीओ आलोक कुमार ने कहा कि जिले के विभिन्न घाटों से बालू अवैध रूप से उत्तर प्रदेश भेजने की सूचना मिली थी, जिसे लेकर छापेमारी की गई। खनन पदाधिकारी चालान व ओवरलोड की जाँच कर रहे हैं, गलत पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला खनन पदाधिकारी नंदेव बैठा ने कहा कि गाड़ियों का माप तौल किया जा रहा है तथा चालान मिलाया जा रहा है। ट्रक चालकों के फरार होने के कारण चालान मिलाने में देरी हो रही है। बंसीधर नगर से संवाददाता शुभम जायसवाल की रिपोर्ट। इसके आलोक में मैं बताना चाहूँगा, मुझे कई दिनों से बहुत शिकायतें मिल रही थी कि लीगल बालू गढ़वा से यूपी भेजा जा रहा है, ओवरलोड भेजा जा रहा है और कुछ बिना चालान के भी भेजा जा रहा है। तो इसी के आलोक में मैंने कल रेड किया और उसमें काफ़ी ट्रक पकड़े गए हैं। इनफैक्ट नगर उटारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 20 से ज़्यादा ट्रक पकड़े गए हैं। पकड़ने के बाद हमने DMO साहब को सौंप दिया है। वो जाँच करके वो अगर चालान लेके चल रहे हैं तो चालान लीगल है कि नहीं है, और ओवरलोड लेके चल रहे हैं तो कितना ओवरलोड लेके चल रहे हैं, उसके बेसिस पे जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार वो की जाएगी।